व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फैसल कासिम शाह टीवी हुनरमंद पाकिस्तान। तो आज हम आपको सबसे सस्ता सोलर पैनल का सेटअप बताएंगे, जो लगभग हमारा लगा है 15,000 रुपये का। और अगर प्लस इसमें बैटरी हम लगाएं तो बैटरी हमारी 100 एम्पीयर की 7,000 रुपये की और 50 एम्पीयर की 4,000 रुपये। वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक आप लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेहान भाई से, उनको कितनी परेशानी हुई या कितनी आसानी हुई इस काम को करने में। रेहान भाई से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा चार्ज कंट्रोलर, जो हमारी बैटरी को महफूज रखता है ओवर चार्ज से और हमारी बैटरी की लाइफ को बढ़ाता है। तो इस चार्ज कंट्रोलर की मुकम्मल डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बता दूँगा। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं फ़ैन की तरफ। खुर्शीद का फ़ैन है, बहुत ही स्मूथ चलता है और 5200 रुपये का ये फ़ैन मिलता है हमें, आसानी से हर मार्केट में मिल जाता है 5200 रुपये का खुर्शीद का, जो बेस्ट क्वालिटी है हमारी खुर्शीद। तो अभी हम चलते हैं खुर्शीद का फ़ैन जो हम अभी चलाने वाले हैं, आप चलाएं हम खुर्शीद का फ़ैन, देखते हैं कैसा चल रहा है। बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये पंखा, आप देख सकते हैं। हाँ, ये खुशी वाला वो पंखा है, बेहतरीन डिज़ाइन के साथ ये पंखा हमारे को 5200 रुपये का मिला है। और हाँ यार, रेहान भाई से बात करते हैं पंखे की हवा के अंदर। आ जाए रेहान भाई। रेहान भाई, कितना खर्चा हुआ आपका? तकरीबन सर ये 15,000। हमारे रेहान भाई हैं और ये रेहान भाई ने हमारा ये सेटअप जो है सोलर का 15,000 रुपये का लगाया। इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी आपको अपने मुताबिक लेनी पड़ेगी। 50 एम्पीयर की 4,000 रुपये की है, 100 एम्पीयर की 7 से 8,000 रुपये की है। एक्स वाई जेड ये आपको मार्केट में खुद पता लग जाएगा कितने की कौन सी बैटरी है। तो चलें हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे रेहान भाई बहुत ही एक सीधे और अच्छे इंसान हैं। तो देखते हैं ये हमें इसके रेट बताएंगे टोटल चीज़ों के, 15,000 रुपये कैसे बना। ठीक है, आए चले। परेशान रहता था मैं बिजली की वजह से, लाइट जाने की वजह से परेशानी काफ़ी कम हो गई है। सुनते रहता हूँ दिन भर, सोलर चलता है मेरा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। उसके बाद जब लाइट चली जाती तो फिर रात को बैकअप कर दी मेरी बैटरी, मैंने बैटरी भी लगाई, मुझे बहुत सहूलत है, बहुत आराम है। कैसे से मेरी तकरीबन जान छूट गई। आपने सोलर प्लेट कितने की ली? मैंने सोलर प्लेट ली हुई 6,500 रुपये। 6,500 ही हो गए। और आपने इसका पंखा जो लिया खुर्शीद वालों का लिया? ये खुर्शीद वालों का पंखा लिया 5,200 रुपये। ये हमारे हो गए कितने हो गए? 11,700 रुपये ये हो गए जी। और कंट्रोलर कंट्रोलर हमारा 1500 रुपये का चार्ज कंट्रोलर है। उसकी वायरिंग आई है साथ में कितने? 1500 रुपये की वायरिंग। 1500 रुपये की वायरिंग जी। तो 11,700 और 3,000 मतलब 15,000 के अंदर अंदर हमारा 1700 रुपये का एवरेज है। मतलब इतने सस्ते में हमारा सोलर सेटअप लग गया है रेहान भाई के घर में। रेहान भाई, कनेक्शन आपने आसानी से कर लिया? जी सर, मेरे दोस्त जसर भाई हैं, उन्होंने मुझे समझा दिया था प्लस माइनस के बारे में। तो फिर मैंने उसके मतलब कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको लगाने? नहीं सर, कोई परेशानी मतलब आप खुद भी लगा सकते हैं अपने घर में, आप परेशान ना हुआ करें, आराम से एक प्लेट लेकर आ जाएं। रेहान भाई भी बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानते, लेकिन बहुत ही आसानी से उन्होंने सोलर का पूरा सेटअप अपने घर पर लगा लिया। उन्होंने मेरे को अच्छी तरीके से समझा दिया था, मेरी समझ में आ गया, तो मैंने आराम से कर लिया। चले आप, हम आपको सोलर के पास लेके चलते हैं। भाई ये बहुत ही बेहतरीन लगाया इसे ध्यान दे आपने जी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान कनेक्शन है इसकी। आप प्लस जो है रेड है, रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। आप दोनों तारों को सोलर के माइनस प्लस पे आप जोड़ दोगे। बाकी कनेक्शन हम आपको नीचे बताते हैं। बेहतरीन लोकेशन में लगाया ध्यान दे आपने। तो व्यूवर्स, देखा आपने रेहान भाई ने कितने आराम से अपने घर में ये सोलर का जो है सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल किया। तो मेरी यही कोशिश होती है कि 1 से 2 पैनल्स जो है वो अपने घर में आप खुद लगाएं, जबकि आपको वो इलेक्ट्रिशियन को 15 से 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो आपके बच जाएंगे। तो आप
प्लीज़ ये सोलर लेते हुए ख्याल करा करें कि अच्छी कंपनी का लें, जो वारंटी दे कंपनी, वही आप सोलर पैनल लें। और मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्वेरेक्स लें, और अभी मार्केट में खुर्शीद के सोलर्स आए हैं, वो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। रेहान भाई ने अपना खुर्शीद का ही लगाया है 6,500 रुपये का। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे 1.2 और 2.2 या 3.2 के डिटेल दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा जो है हमारे को 220 बना के देता है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।